हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है राणा स्पेस में। आज के इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी लाइफ का शौक, मतलब अभी ये मुझे शौक लग रहा है बिकॉज आपने थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा। तो जिस गाड़ी की, जिस ब्रांड की मैं तारीफ़ करता हूँ इतने सालों से और जिसकी वजह से मुझे जितने भी सब्सक्राइबर मिले, जितने भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने स्टार्ट करे हैं, वो इसी वजह से किए थे कि मेरे पास TUV थी महिंद्रा की, और वो अब ऐसा पॉइंट आ गया कि मुझे वो बेचनी पड़ रही है। और आज जो डेट है वो है 9 अगस्त, और ऑलरेडी 3-4 दिन से मेरे एक सेलर से बात हो रही है, वो आके देख चुका है और अभी 2 दिन के अंदर वो गाड़ी मुझसे ले लेगा। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी व्लॉग बनाया जाए बिकॉज़ आप लोगों के साथ मैंने बहुत शेयर किया है TUV की वीडियोस। तो आज अभी 9 तारीख है और 3 दिन से सेलर से मेरी बात हो रही है, जैसे मैंने बताया आपको। तो मैं इस व्लॉग में ये चाहूँगा आपको दिखाना कि एक तो मेरी TUV जा रही है तो मेरे इमोशंस आएंगे, दूसरा आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी कि आप जब गाड़ी बेचते हैं तो आपको कैसे एक ट्रांसपेरेंट डील करनी चाहिए। मैंने जो है एक डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टडी करी है, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने सॉफ्ट कॉपी भी रखी है और प्रिंट आउट करके भी रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो दिखाऊँ, और आप कमेंट करके बताना कि अगर आपके पास आपकी फेवरेट गाड़ी है और वो तब अगर आपने बेची कभी तो आपको उस टाइम पर कैसा महसूस हुआ था। बिकॉज मैं और मेरी पूरी फैमिली, बिकॉज मेरा जो बच्चा था ना 2015 में हुआ था, जो पहला बच्चा था, और वही 2015 में हमने गाड़ी ली थी अक्टूबर में, बच्चा मेरा हुआ था मार्च में, तो तब वो 7 महीने का, तब से गाड़ी हमारे साथ है, आज वो 8 साल का है। तो सारी यादें इमोशन सब जुड़े हुए हैं उससे। तो चले चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट की मैंने जो सॉफ्ट कॉपी बनाई है उसमें ऑनर का आधार कार्ड, जो मैं हूँ मतलब जो मेरी गाड़ी है उसका आधार कार्ड, गाड़ी का इंश्योरेंस, फास्टैग, PUC जो वैलिड है वो, RC की मैंने जो है पिक भी ली है, और एक PDF जो होता है जो RC का जो ओपन होता है, जो हमें वहाँ से मिलता है, क्या कहते हैं वो अपना डिजी लॉकर से, उससे भी एक डाल के रखा है, और एक SBI से जो लोन की NOC होती है वो भी लेके रखी है। सो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको देनी चाहिए सेलर को, बायर को, सो डेट वो अपने नाम पे उस गाड़ी को करा सके, ठीक है। ट्रांसफ़र होने में 15 से 20 दिन लगते हैं आफ्टर सेल डीड, तो मैं उससे जो श्योरिटी लूँगा एक रिटर्न वाइट पेपर पर उससे रिटर्न लूँगा कि जिस दिन मैं उससे गाड़ी बेचूंगा, सारे पैसे लेने के बाद मैं उसको एक रिटर्न उससे वो लूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी डैमेज के लिए, किसी भी एक्सीडेंट के लिए। गुड मॉर्निंग, अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग कराने। जो हमारे बायर है सोनम जी, उन्होंने हमें, मुझे 2 रिक्वेस्ट करी है। एक तो ये जो है, ये वाला जो एरिया है उसको वो ठीक कराना है मुझे, और दूसरा इस तरफ का ये वाला एरिया है जो वो कह रहे हैं कि मुझे रिपेयर करा के दो। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैं अब जा रहा हूँ डेंटिंग पेंटिंग की एक दुकान ढूंढने। हालांकि मैंने जगह बात करके रखी थी, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ 2-3 जगह जाऊँ। तो गाइस देखो, ये मेरी गाड़ी जो है 92,000 चली हुई है सिर्फ। सो मेरी गाड़ी के साथ ये कुछ मेरे आखिरी दिन हैं, पल हैं। देखो, चाहे कोई लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, आपको लगा प्यार अटैचमेंट तो होता ही है। तो मैं निकला हूँ अपने घर से, सबसे पहले मैं जाऊँगा हौज रानी, एक जगह हमारी साउथ दिल्ली में, वहाँ काफ़ी डेंटर बैठते हैं। लोकेशन सामने मैक्स है, इधर ही शॉप है, ये देखो आप पहले का डेंटिंग पेंटिंग। चलते हैं, पूछते हैं। आ जाओ भाई साहब, ये वाला पार्ट है मुझे, ये क्वार्टर पैनल है, ये कराना है, ये होना है बस, ये होना है। और इधर देखो, इसमें इस तरफ तो है थोड़ा डेंट है हल्का सा, इधर क्या हो सकता है, ये भी ऐसी पेंट ही होगा भाई। सो गाइस, ये तो कह रहे हैं 4 बज जाएंगे, अभी सुबह बज रहे हैं 9:20 हुए अभी तो। ओहो, मैं चाह रहा था कि जल्दी से काम हो जाए। गाड़ी अच्छी लगती मेरी, मुझे बड़ा प्यार है इस गाड़ी से। मेरा नाम नईम है। नईम भाई ने, इस दुकान वाले भाई है, इन्होंने मुझे 2500 रुपये का कोटेशन दिया है,
जितना दिया उतना बता रहा हूँ मैं, तो मैं काम करा ही देता हूँ बिकॉज जो हमारे सोनम भाई है उसको चाहिए। इनकी लोकेशन बड़ी अच्छी है यार, मैक्स के सामने, और ये 2200 रुपये में तय हुआ है। ये खर्चा मेरे ऊपर आएगा, जो डील हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उसको करा रहा हूँ क्योंकि भाई ने बोला है कि मुझे गाड़ी रिपेयर चाहिए थोड़ी सी, और ये गाड़ी भाई मेरे को 2 बजे दे देगा। अभी सुबह बज रहे हैं 9:30 बजे। सो गाइस, आई एम नियर टू माय कार, और सोनम जी भी पहुंच गए हैं यहाँ पर देखने के लिए। सो मेरी कार पे चल रही है पेंटिंग। सो दिस इज एट दिस स्टेज। कितना टाइम लगेगा इसमें? This side also like this. Hi Sonam ji. Sir, आप देख रहे हैं? सर बोलने का आधा। अरे नहीं। So guys, ये है final look. सुबह देखा था आपने, और मैंने ये ऐसे पूरा आगे भी टच कराया और इस तरफ भी पूरा इधर कराया, इनफैक्ट यहाँ तक भी कराया इसने। तो मैं ऐसे करके गाड़ी देता हूँ किसी को दे रहा हूँ, तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप डील करें ट्रांसपेरेंट रखें। सोनम भाई, आई एम मेकिंग अ व्लॉग ऑल्सो। सो सोनम भाई हमारे लद्दाख से हैं, ही इज़ आवर बायर हु इज़ परचेजिंग माई कार। सो कार तो सिर्फ एक बहाना है, भाई से रिलेशन बन गया बस। तो सोनम भाई, कैसा लग रहा है आपको मेरे से डील करके? और ही फीलिंग। सोनम भाई का गेस्ट हाउस है लेह में, मैं आपको डिटेल दूंगा बाद में, जो भी जितने भी लोग लेह में जाते हैं दे कैन यूज़ देयर गेस्ट हाउस और होम स्टे, राइट? तो सोनम भाई को मैंने सारी चीज़ें बता दी है कार के बारे में, और डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए हैं। थोड़ा इनसे टोकन अमाउंट लेना है, उसके बाद कल डील करेंगे। सो आज टीवी के साथ हमारी आखिरी रात है, तो बस कल हम लोग टीवी देखेंगे। तो ये लोग बच्चे जो है गाड़ी के लिए कुछ बनाने में लगा रहे हैं, देखो यार मैं काफी, और हम लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ये लड़का देख रहे हो आप, ये ही वॉज ओनली 7 मंथ्स ओल्ड व्हेन वी बॉट दिस कार। मुझे लगता कोई ऐसे व्लॉग बनाता होगा अपनी गाड़ी को भेजते हुए। मिस्त्री बैठ जाओ बेटा, और अभी समझ में आ गया तब नई गाड़ी आएगी ना छोटी वाली, या कोई गाड़ी आएगी जो हम छोटी हो पड़ेगी बेटा, बड़ी के पैसे नहीं पापा के पास, तो सब समझ में आएगी गाड़ी की वैल्यू क्या। अभी तो तुम इतनी बड़ी गाड़ी में लड़ते हो तुम। मिस्त्री बताना जरा, हम गाड़ी में क्या करते हैं? गाड़ी में सामान रखते हैं, हम सामान भी रखते हैं, हमारे बच्चे सोते भी हैं पीछे जब हम ट्रेवल करते हैं, कूड़ा भी इससे लेके आते हैं, एंजॉय करते हैं, इससे कूड़ा भी फेंकते हैं, इससे सब्जियां भी लाते हैं, और क्या करते हैं गाड़ी से? और कभी हमारे घर में काम हुआ था कंस्ट्रक्शन का, तो हमने इससे मलबा भी फेंका था पीछे रख के। ये तो हो गई थोड़ी वैसी बातें। उसके अलावा हम लोग गाड़ी से बहुत जगह ट्रिप करने गए हैं, बताओ कुछ जगह बताओ तुम। जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर। हमारा एक ड्रीम था कि हम गाड़ी से गोवा जाएंगे, लेकिन अब वो वाली से नहीं जा सकते। हाँ, टीयूवी से जाना था हमें, जब वो एक्सप्रेस वे कम्प्लीट हो जाता है, बट वो ड्रीम हमारा नहीं पूरा हो पाएगा। मोस्टली हम फैमिली के लखनऊ भी गए, हम लोग टेहरी डैम भी गए, बहुत जगह गए, 92,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। मसूरी, टीयूवी हमारे लिए एक फैमिली की तरह है, क्योंकि जब सोना आया था, फैमिली मेंबर जब सोना आया था तभी हमारे पास टीयूवी आई थी, तो हम बहुत मिस करेंगे टीयूवी को। इस गाड़ी में के जो एडवांटेज थी, हमें कभी गर्मी नहीं लगी, मतलब बाहर कोई भी टेम्परेचर हो इतना अंदर कूल हो जाता था, बच्चों का बैड बन जाता था पीछे, सामान पूरा आ जाता था किसी भी गड्ढे से, किसी भी कैसे भी टेरेन से गाड़ी निकल जाती थी, तो बहुत ही अच्छा रहता हमारे लिए। चलो अब थोड़ा चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, है ना? इस गाड़ी से हमने कितना खाया पिया है कहीं भी हमें। अरे हाँ, इसमें हमने बाहर इसके अंदर ही रेस्टोरेंट बनाया है हमने, मतलब गाड़ी के अंदर ही बहुत ज्यादा खाना खाया है। और इस गाड़ी को आप मानोगे नहीं, मैंने 6 साल तो खुद ही वॉश किया है, 6 से 7 साल खुद ही वॉश किया, साफ किया अपने हाथों से, कभी क्लीनर नहीं लगाया, लेकिन हाँ 8th ईयर लास्ट ईयर से लगाया क्लीनर, सारी सर्विसेज वगैरह सब महिंद्रा में करी।
मुझे लगता नहीं कोई इतनी मुझे को। मुझे लगता नहीं ऐसा व्लॉग कभी देखा होगा आपने जहाँ पर जो अपनी गाड़ी भी बेच रहा था इतना उसको इतना इमोशनल हो गया है। ऐसी बात नहीं है लेकिन बट मैं चाहता नहीं था ऐसा वीडियो में है लेकिन क्या फिर आपको दिखाएंगे कैसे कि भाई ऐसा हुआ था हमारे साथ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताऊँ पहले आपको खर्चा कितना हुआ मेरा आज तक इस गाड़ी में, तो एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बाकी महिंद्रा के जो गाड़ियां हैं वो भी कैसे। ये गाड़ी मैंने 954 में ली थी और कितने बेचे हैं तो मैं कल खैर उसके बाद बता दूंगा। 954 में ली थी, हर साल कम से कम 10-15 हजार का इंश्योरेंस कराया तो 8 साल कम से कम लाख रुपए का इंश्योरेंस भी कराया और 70 हजार ही लगे मेरे मेंटेनेंस में अभी तक। तो 954 और 170 ये हो गई लगभग 11,20,000, तो 11.5 में गाड़ी हमें पड़ी है, 8 साल हमने इसको उठाया, इतना ही खर्चा हुआ है सर इसमें। बाकी खर्चा हमारा जो पेट्रोल का होता है डीजल का वो अलग पानी है, लेकिन मेमोरीज और इतनी हैप्पीनेस दिया ना हमको कोई गाड़ी नहीं सकती। आज अगर मार्केट में हम गाड़ी लेने निकले ना तो हमारा कोई गाड़ी नहीं खरीदने के लिए, हमें समझ नहीं आया कौन सी गाड़ी लें। सो ये देखो आप उदास चेहरे, तो अभी से गुस्सा है। देखो गाइस ये जो है एक इंडिपेंडेंस वीक है इसीलिए यहाँ पर पूरा ये ग्रीन और ये सब ऐसा है।힘든 적도 있어 그래도 우리는 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우리 기다 So, 이게 yeah, 우리 가디기 비다이죠 लेकिन रोएंगे बाद में, कल से गाड़ी नहीं होगी हमारे पास, बिकॉज हमारे हमको पता नहीं अगली गाड़ी कब आएगी, कौन सी आएगी। सो वी आर नियर सिलेक्ट सिटी। दो शब्द बोलो गाड़ी के बारे में जो फाइनल हो, जो आपको लग रहा है। तो रोके तो दिखा दो थोड़ा सा, मिट्टी रोके दिखा दो, हमारी प्यारी गाड़ी जा रही है। Probably last ice cream of the TUV. दिखा दो भाई सब में आइसक्रीम, क्योंकि इसके बाद हम इस गाड़ी में नहीं खाएंगे ना आइसक्रीम, जो भी हम लास्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में वो आज कर लेंगे ना। वो देखना पड़ेगा, ये सवाल बहुत टफ है, इसका आंसर देना। छोटी सी ट्रिप है वो खत्म होने को आई है, अब हम घर जा रहे हैं और कल जो शाम तक वो आएंगे फिर आके देखिएगा कि कैसे उनको हमने हैंड ओवर दिया गाड़ी, उनको भी हमने अच्छा एक्सपीरियंस देने का सोचा है। अमिस्टी कौन सा गाना गा रही थी? गाड़ी है चलती, ट्रेन की राशि चलती, तेज बहुत ट्रेन की राशि चलती। गाड़ी हमारी सबसे न्यारी प्यारी टीवी, सबसे तेज चलती है कैसे दौड़ती। टीवी के गाने के लिए हाँ। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, तू कल चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी, पैदल चलना पैदल और क्या कर सकते हैं। यही देखो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पीछे बाहर देख रहे हो गेट, इसी गेट के यहाँ पर हमने 2015 में गाड़ी लाके रात को फोटो खिंचवाई थी, याद है?
तब सबको घर वालों को सरप्राइज दिया था। उस टाइम पे व्लॉग वगैरह नहीं होते थे तो हमने कुछ बनाया नहीं था, है ना। 2015 में कौन क्या व्लॉग करता था, इतना कुछ करता ही नहीं था। सो गाइज आज के लिए ओवर एंड आउट, चलते हैं घर पे और इंतजार करते हैं कल का। सो गाइज गुड मॉर्निंग, आज आ गया आखिरी दिन जब हम लोग इस गाड़ी को बेचने वाले हैं। लेकिन बेटे यहाँ क्या बैठे, यहाँ ड्राइविंग करोगे आज आखिरी दिन आप? तो मैं इनको आखिरी बार स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, चलो इस गाड़ी में। है? अब हम कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे। नहीं बेटा तुम थोड़ी दिन में जा नहीं पाएंगे, गाड़ी नहीं हुई तो मॉल जाएंगे, वैसे टैक्सी करके जाएंगे। सोनम भाई के लिए भाई गाड़ी भी साफ करा रहा हूँ मैं। कभी आपने देखा है कि कोई पुरानी गाड़ी बेच रहा हो उसको साफ करा के दे, तो मैं वॉशिंग भी करा के दे रहा हूँ सोलेट हमारे भाई को अच्छा लगे। सो आज फाइनल टाइम आ गया, सोनम जी आए हैं गाड़ी चेक कर रहे हैं। अच्छा इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है, एक सेकंड। ये जो है ना दिस इज ओरिजिनल ग्लास, जो ओवीआरएम होता है ना ओरिजिनल, वहाँ पर वो तो मैंने कर लिया था ना आपको, ठीक है। अगर आपको कभी लगे वो सटाना है तो आप इसको लगा लेना इसे, ठीक है। आई एम गिविंग यू कवर ऑफ, तो इसमें कूलेंट है अभी आपके लिए, ठीक है ना, वो तो बता दिया मैंने आपको। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें मैंने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो ये चल रही है लाइट आराम से, गाड़ी का ओडो देख लेते कितना एक बार। Oh, this is final look. डिलीवरी हो रही है यहाँ पर हाउस में सारे बच्चों की तरफ से, और सो आवर कार इज गोइंग, लास्ट मोमेंट्स। फोटो ले लेते हैं, फोटो ले लें, फोटो जल्दी फोटो लो, जल्दी फोटो जाओ, आगे जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ गो, चाबी दे दो, चाबी गिव द की, वेट वेट वेट, थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस टू डील विद यू गाइज, थैंक यू एंड आई प्रे फॉर योर सेफ ड्राइव, हैप्पी जर्नी। अब मुझे अपडेट देते रहना, कुछ वीडियो वगैरह कुछ फोटो वगैरह लोगे ना तो प्लीज गाड़ी के साथ मुझे। चलो मैं उनको बाहर इस वाले गेट पे, इस वाले रोड पे निकाल दूं आपको। थैंक यू सो मच, सी यू, ओके। उधर जाओ नीचे, उतरो बेटा यहाँ की, तो आप ट्रैवल करेंगे कल, जाएंगे आप कल निकलेंगे, ठीक है, सी यू, थैंक यू सो मच। नहीं बेटा आ जाओ, लास्ट लुक देख लो गाड़ी की, बाय कर दो। So guys, car has been sold. बच्चों कैसा लग रहा था तुम्हें चल के? मेरे कान बंद है। How are you feeling? कार चली गई? Feeling sad? So guys, देखो हमने थार ले ली, अभी हमारी टीवी गई, अभी यहाँ थार खड़ी हुई है, ये हमारी नहीं किसी और की है। अब हम हो गए विदाउट व्हील्स, अब हमारे पास सिर्फ हमारे दो पहिए दो पाँव वाले ही गाड़ियाँ हैं। ये ले लें, ये गाड़ी ले लें क्या? अब हमें ये देखना, अब गाड़ी भूल जाओ, अब हमें कौन सी लेनी है वो देखना है। ओह शिट,
सोचा इस जगह पे वो गाड़ी कभी नहीं खड़ी होगी। गाड़ी जा चुकी है, ये बल्ला मुझे मार रही है। ओई बस 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 कराटे गर्ल, बस कराटे गर्ल, बस फीलिंग सैड रोने वाली है। सो गाइस, अरे सच्ची बात हो रही है, कोई बात नहीं, आ रहे हैं दूसरी गाड़ी में, कोई बात नहीं कोई बात, दूसरी गाड़ी ले लेंगे। अरे तू मुझे रो रही क्या? सो गाइस, यहाँ पर हमारा कार सेल का व्लॉग खत्म होता है एंड काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और हाँ कमेंट जरूर करो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, है ना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।